पाकिस्तान के पनप रहे आतंकवाद पर करारा प्रहार करने को तैयार है। पाकिस्तान भले ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे सूची से बाहर आ गया हो, लेकिन उसके मंसूबे आज भी उतने ही खतरनाक हैं जितने पहले थे। ऐसे में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए टेरर फंडिंग के खिलाफ अब भारत नया कदम उठाने जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि क्या है भारत का वो अहम कदम। दरअसल सीमा पार से आतंकी फंडिंग बढ़ने की आशंका को देखते हुए भारत इसके खिलाफ वैश्विक सहयोग बढ़ाने की कोशिशों में जुट गया है, जिसे लेकर दिल्ली में आतंकी फंडिंग रोकने के उपायों पर चर्चा के लिए दुनिया के 75 देशों का नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन होने जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि आतंकी फंडिंग के सभी आयामों और उसे रोकने के तरीकों पर चर्चा करना। इसके साथ ही नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में होने वाली चर्चा आतंकवाद और आतंकवाद के वित्त पोषण के वैश्विक रुझानों, आतंकवाद के लिए धन के औपचारिक और अनौपचारिक चैनलों के इस्तेमाल, उभरती प्रौद्योगिकियों और आतंकवाद के वित्त पोषण और संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए अपेक्षित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर केंद्रित होगी। इसका उद्देश्य विस्तारित विचार विमर्श के लिए 75 देशों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने का है। भारत की आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति से साफ है कि अब भारत झुकने वाला तो बिल्कुल नहीं है। यही वजह है दो बार आतंक के खिलाफ दुनिया भर के देशों की सभा भारत में हुई, तो वहीं 31 अक्टूबर को भारत में हुई इंटरपोल की आम सभा की बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को आगाह किया था कि आतंक के लिए कहीं भी सुरक्षित ठिकाना नहीं होना चाहिए। आतंकी फंडिंग के खिलाफ यदि वैश्विक माहौल बनता है और उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए सभी देश एकजुट होते हैं, तो पाकिस्तान के लिए इसे बढ़ावा देना आसान नहीं होगा।